क्यों खंबा वो दे तो फिर खंबा मिले तबादले वो करे तो फिर मैं और चौधरी मदर साहब ऐसे हम सोए रहेंगे नहीं। इसके बाद नहीं होगा। ये चौधरी मजीद जाके खा रहा, ये तो लटेरे हैं, ये तो वो अड्डी खाने वाले जिस तरह होते हैं, ये तो वो है लोग। ये फिर अच्छे हों तो अपने घर में अपनी बराबरी के लोगों को लड़ा कर वहां खाने के अंदर वो ले चल। क्या कभी सुना है हमारे लिए या चौधरी मदर साहब के हम लड़ाते हैं लोगों को? हम तो लड़ाइयां बंद करने वाले लोग हैं। ये औरतों को जाकर थाने के अंदर बंद करवाते हैं, ये कोई इंसान है? ये तो वह इनको जरूरत भी नहीं है, तो पहले दर्जे के लिए पैगाम मिलते रहे, कोई काला है, कोई नीला है, कोई चिता है, कि हम पहलवान बशीर को इधर नहीं आने देते हैं। पहलवान बशीर जिस दर के लिए तुम कहोगे मैं वहां हक रखता हूँ और मैं ऐलान करता हूँ वहां मैं जाऊँगा, तुम सर पर नहीं आ सकते हो। चाहता हूँ कि तुम भी इंसान बन जाओ, अगर ये डराने वाली बात ना करो कि हमारे साथ लग गया जो हमें चाहता है जो इस झंडे को उठाएगा। ये तो अभी बूढ़ा आदमी चौधरी असलम निकल गया, बड़े बड़े जवान है जो तुम्हें सड़क पर किसी कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब से मैं ऐलान करता हूँ इसके बाद किसी पीपल पार्टी के कारकुन से कोई जाति का फिर हमारी एक बराबरी है, जो पीपल पार्टी बरादरी है हम तो नहीं खामोश रह सकते हैं किसी कारकुन के साथ जाती है, क्योंकि बहन के साथ जाती है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपकी चोटियां और आपकी ये जैकटें कहीं बुरी रह गए। सुन लो आपके भाई चौधरी मजीद, आप अपने भाइयों के नहीं हैं, अपनी माँ के नहीं हैं, और किसके हो सकते हो? पुराने साथी हो, बाहर आ जाओ, अब ये यहाँ फतूर न डालो, लोगों को डराओ मत। राजा ना तुम्हारा राजा जी तुम्हारे साथ होगा, न कोई और होगा, तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, नहीं होगा। ये बट्टों का लगा झंडा लग गया है, चौधरी असल में लगाया, मारो ना जरा आप चौधरी असल को, देख लेना फिर क्या होगा। ऐसी बात नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे, हमें आप अजमाए कर आए रात के कहीं किसी टाइम पर फूल करें मुश्किल बारिश में कि हमारे हमें आपकी यहाँ जरूरत है, फला टाइम पर फला जगह पर हम ना आए काम कसूरवार। ये आपका कसूर नहीं है, हम समझे। आज से 30 साल हम भी नहीं समझे, आज से 10 साल जो सोच की ओर ये महसूस ना करें, सोच हमारी कम है, हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। इंसान को यानी एक चीज आप एक छोटी बनाते हैं, उसका आपको इलम है, एक जग है, एक गिलास है, गाड़ी है, जमीन है, काम बेची है, आपको मालूम है ये इससे क्या फायदा, ये किस लिए? लेकिन हमें अक्सर जो लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हम दुनिया पर किस लिए आए। जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसको जांचना चाहिए, तलाश करना चाहिए अपने आप को कि मैं किस लिए इस दुनिया पर आया हूँ। जब वो पता चल जाएगा उसको कि मैं इस दुनिया पर आया हूँ, ना वो डरेगा, ना वो किसी को कोई खतरा ही नहीं है उसको। अब दोस्तों ये पीपल पार्टी का झंडा हर घर में लहराए, यही सारा जो है ये दर जो है खत्म करता है। बट्टो बट्टो दुनिया का लीडर जालिमों ने मार दिया, उसके 2 बेटे कत्ल किए गए, उसकी बेटी जो दुनिया की मानी हुई लीडर थी वो कत्ल की गई है, तो फिर हम उनको चाहने वाले, हमें कत्ल तो करो, क्या हम पीछे हटेंगे कत्ल से? इसलिए हम मजबूत लोग हैं पीपल पार्टी के, और अपना ये झंडा जो है आज बंदा अपने झंडे को जब देखेगा सुबह उठकर और शाम को, आप देख लेना आपके अंदर कितने दिन होगी। मैं आपका असल साहब आपको कोई बुरी आम से नहीं देखेगा, जरा देख कर तो दे आप, तो मैं आपसे मोहम्मद तो ने मोहम्मद अजायब, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद इस्माइल, राशिद महमूद, मोहम्मद साबर, ये उत्तर प्रदेश को छोड़कर पाकिस्तान के कुछ आइए आइए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदे